नमस्कार आप सभी के लिए। आज के एडिटोरियल में आज हम डिस्कस करेंगे इम्पीरियल एक्सेस। इम्पीरियल एक्सेस से मतलब क्या है कि ये मुख्यतः गवर्नर पर बेस्ड है कि गवर्नर कैसे अपनी पावर का कॉन्स्टिट्यूशनली उपयोग ना करके एक सरकार के तौर पर उपयोग करते हैं। क्यों ये बोल रहे हैं? रिसेंटली हाल ही में आपने सुना होगा जगदीप धनखड़ का, जो कि पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं, वहाँ की वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया था। क्यों किया था, क्या हुआ था, ये सब चीज़ें आज हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करेंगे। और यही उसी चीज़ पर ये बेस्ड एडिटोरियल है, उसी चीज़ को लेकर आगे इसने लीड किया है कि आखिरकार और जो बीजेपी शासित राज्य या एनडीए शासित राज्य नहीं है, या जहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार अलग अलग हैं, वहाँ पर कैसे गवर्नर और राज्य सरकारों के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है कुछ कुछ मुद्दों को लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइबर बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर आप इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को खुद भी पढ़ना चाहें तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी आउट बस्ट अगेंस्ट गवर्नर जगदीप धनखड़ ऑन मंडे वॉज नॉट फर्स्ट, बट इट ब्रॉट टू द फोर येट अगेन द रोल ऑफ गवर्नर इन रिलेशन विद द इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर। ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, वो फिर से नाराज़ हो गई। किस पर नाराज़ हो गई? वहाँ के जो वर्तमान गवर्नर हैं जगदीप धनखड़, उन पर। ये सोमवार की बात है, और ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, पहले भी इन दोनों का टकराव सामने आया है और राज्यों के गवर्नर का भी सामने आया है। तो ये जैसे इंसिडेंट हुआ तो इस इंसिडेंट ने एक बहस को फिर से छेड़ दिया है। किस बहस को? कि भैया गवर्नर और इलेक्टेड गवर्नेंस, मतलब जो भी राज्य सरकार की जो चुनी हुई सरकार है, उन दोनों में क्या रिलेशन होना चाहिए, संवैधानिक तौर पर क्या रिलेशन होना चाहिए। तो ये चीज़ें बहस का मुद्दा बन चुकी हैं। मिस्टर धनखड़ एंड हिज काउंटर पार्ट इन तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र अपीयर टू बी टेस्टिंग द लिमिट ऑफ देयर पावर एंड कन्फ्रंटिंग द इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर इन रीसेंट वीक। यहाँ पर जैसे धनखड़ ने कहा, या धनखड़ का जैसे टकराव हो रहा है उन्हीं के काउंटर पार्ट मतलब जो समकक्ष पद पर बैठे हुए व्यक्ति, जैसे दूसरे राज्यों के राज्यपाल, जैसे तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, वो भी अपनी पावर की तह तक जाना चाहते हैं, या अपनी पावर का जितना उपयोग करना चाहते हैं, वो सोच रहे हैं कि कितनी हद तक वो अपनी पावर का यूज कर सकते हैं चुनी हुई सरकार के प्रति, या अपनी जो ताकत है उस पर्टिकुलर राज्य में अपने प्रभाव को लेकर। इन दोनों ही मायनों में वो कितने पावरफुल हैं, इन चीज़ों का प्रयोग वो कर रहे हैं। टायरेड ऑफ मिस्टर धनखड़'स कॉन्स्टेंट टायरेड्स अगेंस्ट हर ऑन ट्विटर, मिस्टर बनर्जी ब्लॉक्ड हिम ऑन प्लेटफॉर्म। तो मिस्टर धनखड़ का जो रवैया रहा यहाँ पर, तो उससे क्या हुआ कि ममता बनर्जी परेशान हो गई और उन्होंने क्या किया, मिस्टर धनखड़ का अकाउंट ब्लॉक कर दिया। अब कैसे? क्योंकि कुछ भी होता था, जैसे राज्य सचिव ने कुछ कहा तो, या किसी ने भी कुछ कहा तो धनखड़ क्या करते थे कि जाकर डायरेक्ट ममता बनर्जी को ट्वीट कर देते, बजाय इसके कि डायरेक्ट फ़ोन करें या कुछ करें। तो वो एक पब्लिक कम्युनिकेशन हो जाता है दो प्रशासनिक संस्थाओं या प्रशासनिक पदों के बीच में, जो कि नहीं होना चाहिए। द गवर्नर देन सेंट हर मैसेज फॉर डायलॉग ऑन हारमोनी ऑलमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज, बट प्रॉम्प्टली पोस्टेड दैट टू ऑन ट्विटर। तो गवर्नर क्या करते थे कि उनसे नो डाउट डायलॉग बात के लिए बुलाते थे, और साथ ही साथ हारमोनी मतलब सामंजस्य बिठाने के लिए कि भैया जो कॉन्स्टिट्यूशनल पद हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल पावर हैं उनके बीच आप सामंजस्य बैठाएं, इस प्रकार के वो सलाह देते रहे। लेकिन साथ ही साथ वो क्या करते थे कि वही चीज़, वही सलाह वो ट्विटर पर भी पोस्ट कर देते, टैग कर देते थे ममता बनर्जी को। द चीफ मिनिस्टर सेड गवर्नर वाज ट्राइंग टू ट्रीट इलेक्टेड गवर्नमेंट एज अ वांटेड लेबर। तो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर है पश्चिम बंगाल के, उनका कहना है कि ये बंधुआ मजदूर की तरह
ले रहे हैं, एक चुनी हुई गवर्नमेंट है उसको एक बंधुआ मजदूर की तरह काम करवा रहे हैं, यह सोच रहे हैं कि वो बंधुआ मजदूर है। ही हैज़ बीन, और किसकी बंधुआ मजदूर, गवर्नर की। ही हैज़ बीन समनिंग द चीफ सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑन रेगुलर बेसिस एंड व्हेन दे डू नॉट टर्न अप टेकिंग टू ट्विटर एंड ऑफन टेकिंग टू चीफ मिनिस्टर। मिस्टर धनकर ऑल्सो हैड रन इट्स विद असेंबली स्पीकर बिमल बनर्जी रिसेंटली ऑन द प्रमाइसेस ऑफ द स्टेट असेंबली। तो यहाँ पर कि वो क्या करते थे, कुछ भी जैसे इशू हुआ तो वहाँ के चीफ सेक्रेटरी हुआ, डायरेक्टर जनरल डीजीपी हुए, उन दोनों को क्या कर देते, समन कर देते थे कि भैया ये सब चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, ये सब चीज़ें सही नहीं हो रही, जो भी उनके माइंड में सही और गलत का निर्णय वो खुद करते थे। अब अगर मान लो उन्होंने कोई रिप्लाई दिया नहीं दिया तो साथ ही साथ वो क्या कर देते थे, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को ट्विटर पर भी टैग कर देते थे और साथ ही साथ ममता बनर्जी को भी टैग कर देते थे। तो ये चीज़ मतलब जो कम्युनिकेशन दो प्रशासनिक पदों का एक प्राइवेसी के साथ होना चाहिए वो वहाँ पर क्या कर देते थे, पब्लिक कर देते थे उस चीज़ को। ही हैज़ विथहेल्ड एक्सेंट टू द हावड़ा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बिल 2021 डिलेइंग पोल टू द सिविक बॉडी। और उन्होंने जो सीधी सी बात है गवर्नर का ठप्पा लगता है, ये आपको मालूम होगा, कभी भी कोई भी राज्य सरकारें अगर कुछ भी नया करना चाहें, चुनाव हुआ, कोई भी बिल पारित करना हुआ, तो जैसे केंद्र सरकार राष्ट्रपति के लिए करती है, राज्य सरकार राज्यपाल से अनुमति लेती है। तो अब यहाँ पर चुनाव होने थे हावड़ा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, तो उसको भी इन्होंने अनुमति नहीं दी। ही हैज़ मेड एलिगेशन ऑफ इम्प्रोप्रियटी इन वेलफेयर स्कीम, क्वेश्चन गवर्नमेंट क्लेम अबाउट इन्वेस्टमेंट इन स्टेट एंड टेकन अप द कट्स फॉर द अपोजिशन बीजेपी। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत से एलिगेशन लगाए कि चुनी हुई वर्तमान गवर्नमेंट है टीएमसी की, तृणमूल कांग्रेस, उस पर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि भाई आपने जो वेलफेयर स्कीम है राज्य सरकार की, वेलफेयर स्कीम मतलब जो गरीबों के लिए स्कीम चलाई जाती है, जैसे कि अभी आपको मालूम होगा कि जो राशन दिया जा रहा है, तो इस प्रकार की स्कीम जो चलाई गई उन पर इन्होंने आरोप लगाया कि जो वहाँ की वर्तमान राज्य सरकार है वो सही से फंड का एलोकेशन नहीं कर रही है और जो वहाँ का मुख्य अपोनेंट जो बीजेपी है उसको परेशान कर रही है। तो ये तो हो गया पश्चिम बंगाल की बात, अब महाराष्ट्र की बात कर लें। महाराष्ट्र गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैज़ स्टिल द इलेक्शन ऑफ स्पीकर सिंस द पोस्ट फेल वेकेंट इन फेब्रुअरी 2021। तो यहाँ पर भगत सिंह कोश्यारी हैं महाराष्ट्र के जो वर्तमान गवर्नर हैं, वो भी वहाँ के जो विधानसभा है वहाँ के स्पीकर का चुनाव करवाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, जबकि वो पोस्ट फरवरी 2021 से खाली है। ही हैज़ टेकन एम्ब्रेल ओवर द अमेंडमेंट इन द लेजिस्लेटिव रूल फॉर होल्डिंग द स्पीकर सिलेक्शन थ्रू वॉइस वोट इंस्टीट्यूट ऑफ सीक्रेट वोट। तो वो सीधी सी बात है किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि भाई जो स्पीकर का चुनाव है वो आप जो सीक्रेट वोट के थ्रू होता है वो सीक्रेट वोट के ही थ्रू करवाएं, ना कि ध्वनिमत से आप स्पीकर का वोट करवाएं, क्योंकि ये गलत है। अकॉर्डिंग टू भगत सिंह कोश्यारी द गवर्नर्स व्यू द स्टेट असेंबली कैन नॉट डिसाइड ऑन रूल इज अनएक्सेप्टेबल टू रूलिंग कोएलिशन बट इज बीइंग चेयर्ड बाय द अपोजिशन बीजेपी। तो इनका कहना है कि आप जो रूल हैं वो ऐसे नहीं बदल सकते कि भाई आपको कोएलिशन या सहा मतलब कई लोगों की, कई पार्टियों की जो सरकार है उनके मदद से आपकी जो सरकार बनी है उसको चलाने के लिए आप अपने जो रूल हैं वो अपने हिसाब से नहीं बदल सकते। लेकिन ये तो चलो ठीक है कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट उनका विरोध कर रही है वर्तमान गवर्नर का, लेकिन जो बीजेपी है वो उसका क्या कर रही है कि हाँ राज्यपाल सही कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं। मिस्टर कोश्यारी हैड इन पास्ट वेटेड फॉर बीजेपी सपोर्टिंग इट्स डिमांड फॉर स्पेशल सेशन फॉर असेंबली ऑन वुमेन्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। और कोश्यारी पर यह भी आरोप लगता है कि वो पास्ट में बीजेपी के सपोर्टर रहे और कैसे उनने एक दिन का असेंबली सेशन बुला लिया था जो महिलाओं का महिलाओं की जो सेफ्टी है
और सिक्योरिटी बिल को पास करने के लिए। तो ये चीज़ भी है, तो कि आप जब बीजेपी के थे और नो डाउट वो बीजेपी के केंद्र सरकार के थ्रू ही अपॉइंट किए जाते हैं, केंद्र में किसकी सरकार है, बीजेपी के, तो उन पर यह आरोप लगा कि भैया आपने तुरंत एक दिन का सेशन कैसे बुला लिया। ही हैड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन द नॉमिनेशन ऑफ 12 मेंबर टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल अनटिल द मैटर रीच टू हाई कोर्ट। उन्होंने ये भी रिफ्यूज़ कर दिया था कि जो रिकमेंडेशन थी मिनिस्टर ऑफ काउंसिल की कि 12 मिनिस्टर्स को क्या करना था, नॉमिनेशन करवाना था, तो वो चीज़ भी उन्होंने रिफ्यूज़ कर दी। और फिर बाद में ये पूरा का पूरा मामला हाई कोर्ट में गया। इन तमिलनाडु गवर्नर आर एन रवि हैज़ नॉट एक्टेड अपॉन द TN एडमिशन अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री कोर्स बिल अडॉप्टेड बाय द असेंबली इन सेप्टेम्बर 2020। अभी ये थोड़ा सा आपको डीप समझना होगा कि क्या हुआ कि नीट एग्ज़ाम हुआ। पहले क्या होती थी, राज्य सरकारें अलग अलग अपना एग्ज़ाम करवाती थी, लेकिन जैसे ही नीट हुआ तो सिर्फ एक एग्ज़ाम हो गया। तो राज्य सरकारें जो अपना एग्ज़ाम करवाती थी वो अपने राज्य के लोगों या वहाँ के जो स्टूडेंट हों उनको एक अलग आरक्षण देती थी कि भाई इतनी सीटें तो रिजर्व हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, जब एक साथ जब केंद्र एक ही एग्ज़ाम होगा जो कि नीट कहलाता है पूरे भारतवर्ष में, तो उससे ये हो गया कि सभी राज्य सरकारों को अपना अपना जो कुछ कोटा है उसको क्या करना पड़ा, त्यागना पड़ा। क्यों? क्योंकि फिर पूरा का पूरा जो सीटें हैं वो कहीं ना कहीं, जो जैसे मान लो तमिलनाडु की सीटें हैं तो हो सकता है महाराष्ट्र का लड़का भी उसमें अप्लाई कर सकता है, चूँकि क्योंकि एक पूरा का पूरा एग्ज़ाम ऑल ओवर द भारत में हो रहा है। तो ये पूरे भारत को लेकर हर एक राज्य को अपनी अपनी कुछ सीटें दान करनी पड़ी उस आरक्षण के लिए। तो यही एक सीन था कि वहाँ की जो वर्तमान गवर्नमेंट है तमिलनाडु की, वो ये चाह रही थी कि भैया हमारी जितनी सीटें पहले थी हम अपने बच्चों को उतना आरक्षण देंगे। तो ये पूरा का पूरा सीन था। तो इसी चीज़ का उन्होंने बिल पारित किया जो वर्तमान तमिलनाडु की गवर्नमेंट है उसने, और इसको गवर्नर आर एन रवि ने पास करने से मना कर दिया। द गवर्नर इज रिक्वायर्ड टू ईदर सेंड इट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर अप्रूवल और रिटर्न इट टू फॉर रिकंसिडरेशन फॉर द असेंबली, बट द इनडेफिनेट डिले इन द टेकिंग टू डिसीजन अमाउंट टू अंडरमाइन द लेजिस्लेचर एंड इज अनजस्टिफिकेबल। तो यहाँ पर गवर्नर दो काम कर सकता है, या तो वो प्रेसिडेंट को भेज सकता है कि भैया इस पर हस्ताक्षर लगाओ और ये बिल पारित कर दो, दूसरा क्या कर सकता है कि असेंबली को वापस भेज दे। तो ये दोनों ही चीज़ें वो वहाँ के गवर्नर नहीं कर रहे हैं, और अब फाइल उनके पास पड़ी हुई है। द विल रिलेट टू द क्वेश्चंस ऑफ द स्टेट सेंट्रल रेशन एज इट प्रपोज टू डिस्पेंस विद द नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट टेस्ट ऑफ मेडिकल ग्रेजुएटेड एडमिशन इन स्टेट। तो ये पूरा का पूरा उसी चीज़ के बारे में जो मैंने आपको कहानी बताई उसका था। नीट हैज़ बीन क्रिटिसाइज फॉर कर्टेलिंग स्टेट पावर एंड द गवर्नर्स डिले इन प्रोसेसिंग द बिल इज ओनली एग्रीवेटिंग द सिचुएशन। सम ऑफ द इशू मे बी रिक्वायर डिबेट एंड डिस्कशन बिफोर इट्स रेजोल्यूशन, बट एनी इम्पीरियल ओवरटर्न ऑफ द गवर्नर कैन ओनली डू हार्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग। तो इनका कहना है कि भैया आप बात करो, चर्चा करो, क्या चीज़ें सही नहीं लगें, क्या चीज़ें गलत लगें, तो इससे रास्ता निकलेगा। अब ये क्या बात होती है कि आप उसको फाइल रख के बैठ गए और डिले करने पर आमादा हो, इससे सिर्फ और सिर्फ हाँ मतलब नुकसान ही होगा कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम का, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का, और जो चुनी हुई गवर्नमेंट है उनके अधिकारों का। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज एडिटोरियल। सो थैंक यू फॉर टुडे एंड ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। सो थैंक यू।